विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति व्यवस्था के समक्ष एक प्रमुख चुनौती सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सांप्रदायिकता की समस्या उभरी कैसे। देखिए, संविधान के द्वारा हमारा देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है ना, और भारतीय राजनीति में धर्म की एक विशेष भूमिका भी है। हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की तो स्थापना कर पाए हैं, किंतु धर्मनिरपेक्ष समाज की नहीं, है ना। धार्मिक विभिन्नता हमारे समाज की एक विभिन्न विशेषता है और यहाँ इसी आधार पर विभिन्न तनाव पैदा होते रहते हैं। इन तनावों को बढ़ाने में राजनीतिज्ञ भी भूमिका अदा करते हैं, इससे उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं। स्वाधीनता के बाद हुई चुनावों की राजनीति में धर्म और संप्रदाय के नकारात्मक महत्व को उभारा, जिससे कि यह समस्या जो है बढ़ती ही गई। धर्म के आधार पर जो राजनीति जो की जाती है उसमें धर्म आधारित राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है, जैसे मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा आदि। इनमें धार्मिक और सांप्रदायिक तत्वों की भूमिका रही है। इसी प्रकार निर्वाचन में भी वोट बटोरने के लिए मठाधीशों, इमामों, पादरियों, साधुओं की सांठगांठ की जाती है, है ना, जिससे कि राजनीतिक दल और उनके नेता चुनावों में अपने अधिकाधिक वोट प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से उनके जो मतदान के अवसरों पर मत मांगने वाले और मतदान करने वालों के आचरण पर धार्मिक तत्व छाए रहते हैं। राजनीति में धर्म की भूमिका पर हम पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें एक अलग से वीडियो मैंने बना दिया है। इसके बारे में और अधिक विस्तार से ना जाके हम यह देखते हैं कि सांप्रदायिकता जो है वो किसे कहते हैं, है ना। तो सांप्रदायिकता के अंतर्गत वे सभी भावनाएं और क्रियाकलाप आते हैं जिनमें किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए, उन हितों को राष्ट्रीय हितों से भी अधिक प्राथमिकता दी जाए तथा उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए या उसको प्रोत्साहन दिया जाए। पारसियों, बौद्धों, जैनों तथा ईसाइयों के अपने अपने संगठन हैं, साथ ही वे अपने सदस्यों के हितों की साधना में लिप्त रहते हैं, परंतु ऐसे संगठनों को सामान्यतः सांप्रदायिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वे किसी पृथकता की भावना से प्रेरित नहीं हैं। इसके विपरीत मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, हिंदू महासभा, बजरंग दल, अन्य कुछ संगठनों को सांप्रदायिक कहा जाएगा, क्योंकि वे धार्मिक कट्टरता के भाव को अपनाकर धार्मिक अथवा भाषा समूह के अधिकारों तथा हितों को राष्ट्रीय हितों से भी ऊपर रखते हैं। तो एक संप्रदायवादी दृष्टिकोण समाज विरोधी होता है, और उसको समाज विरोधी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वह अपने समूहों के संकीर्ण हितों को पूरा करने के लिए अन्य समूहों के और संपूर्ण देश के हितों की भी अवहेलना करने से पीछे नहीं हटता है। भारतीय राजनीति में यदि हम सांप्रदायिकता की जड़ों का जो खोजें तो इसके जो हमें दिखाई पड़ता है वो सांप्रदायिकता समस्या ब्रिटिश शासन से ही हमें देखने को मिलती है, है ना, जिसमें जो है अंग्रेज लोग भारत में प्रतिनिधित्व का अर्थ है वो अलग अलग समूहों, वर्गों, हितों, क्षेत्रों, संस्थाओं और सांप्रदायिकता का प्रतिनिधित्व समझते थे। उन्होंने भारत के अनेक संप्रदायों और जातियों की समस्या को इनके स्वाभाविक अस्तित्व बोध और एक दूसरे की आपसी वैमनस्य की समस्या को समझा और उसका उपाय अलग अलग धार्मिक समूहों को पृथक प्रतिनिधित्व देने में समझा। तो भारत में सांप्रदायिकता की समस्या जो है वो ब्रिटिश शासन के समकालीन है, और उन जो अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई ताकि वे हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाते रहें और भारत पर अपनी हुकूमत चलाते रहें। तो इस तरह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में जितना अंग्रेजों की कूटनीति चाल का हाथ रहा उतना ही हिंदू और मुसलमानों के बीच राजनीतिक संघर्षों का भी, है ना। वास्तव में ये समस्या थी कि भारत में बसने वाले विभिन्न वर्गों, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई आदि के राजनीतिक सत्ता में हिस्सा लेने की मांग को कैसे संतुलित किया जाए,
भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस तथा लीग एक त्रिभुज बन गया जिसने सांप्रदायिकता को आधार बनाकर नए नए गुल खिलाए। अब हम ये देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता की जो राजनीति का विकास है वो अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में हिंदू मुस्लिम शासकों और नवाबों के हाथों में सत्ता आई थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे डरती थी, उन्होंने हिंदुओं की सहायता और सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की। प्लासी के युद्ध के बाद जब कंपनी के हाथ में शासन सत्ता आने लगी तो उसने मुसलमानों के प्रति सौसेला व्यवहार किया और हिंदुओं को नौकरियों में प्रोत्साहन देकर मुसलमानों के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई। वहाँ भी आंदोलन के रूप में मुस्लिम जो है असंतोष व्यक्त हुआ और सन 1857 की क्रांति में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन अंग्रेज इसे मुस्लिम विद्रोह मानते थे जिसके माध्यम से मुस्लिमों ने मुगल शासन की स्थापना की चेष्टा की थी। अतः उन्होंने मुसलमानों के विरोध और दमन की नीति अपनाई, लेकिन कुछ समय बाद ही हिंदुओं के विकास, उन्नति और आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति जब बढ़ी तो अंग्रेजों ने हिंदुओं से डरने लगे। उन्होंने मुसलमानों से मित्रता एवं चातुर्यपूर्ण नीति अपनाई। इसके फलस्वरूप 1893 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई। मुसलमानों को खुश करने एवं उनकी राजभक्ति प्राप्त करने के लिए 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन फूट डालो राज करो की शासन करो की नीति की कुटिल शासन का ही परिणाम था। भारतीय मुस्लिम के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा के नाम पर 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 से ही लीग ने मुसलमानों को आबादी से अधिक स्थान दिए जाने की मांग की थी। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में सांप्रदायिक आधार पर पृथक चुनावों की व्यवस्था का समावेश कर दिया गया। 1916 के लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत मुसलमानों के लिए प्रतिनिधिक संस्था के रूप में लीग का अस्तित्व सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व में गुरुता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया, जो एकदम गलत था। 1919 के एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति न केवल मुसलमानों के लिए कायम रखा गया वरन सिखों, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए भी इसे अपना लिया गया। सन 1932 के बाद जिन्ना सांप्रदायिक राजनीति के नायक और भारतीय राजनीति के खलनायक बन गए और सन 1935 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। सन 1940 में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया और 1947 में सांप्रदायिकता के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ। तो इस तरह से सांप्रदायिकता की जो समस्या का जो विकास है इस तरह से धीरे धीरे जो है हुआ और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी भारत में सांप्रदायिकता के तत्व हमें दिखाई देते हैं, है ना। तो इस तरह से सांप्रदायिकता का जो समस्या है वो ये इन कारणों से बनी हुई है। आज भी इसके जो हम मुख्य कारणों को विश्लेषण करें तो इसमें है मुसलमानों के पृथक्करण की भावना, है ना। मुसलमान के एक भाग में पृथक्करण की भावना आज भी विद्यमान है। वे अपने आप को राष्ट्रीय धारा में शामिल नहीं कर पाए। अनेक मुस्लिम नेताओं ने स्वाधीनता के बाद इस बात का प्रचार किया कि उन्हें मुख्य राष्ट्रीय प्रवाह में शामिल होने के लिए ऐसे राजनीतिक दलों को सहयोग देना चाहिए जिनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा आर्थिक न्याय में है, परंतु इन विचारों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और अनेक मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने इस बात का प्रचार किया कि मुस्लिम संप्रदाय के हितों की सुरक्षा के लिए उन्हें राजनीति में एक पृथक जो है इकाई के रूप में भाग लेना चाहिए। तो इस तरह से उनमें जमायत इस्लाम जो है ना, उसने मुसलमानों को सलाह दी कि उन्हें आम चुनावों में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही दूसरे संगठन भी हैं जिन्होंने मुसलमानों को राष्ट्रीय राजनीति से पृथक रहने की सलाह दी थी।
दूसरी जो समस्या है वो है मुसलमानों के आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन है। स्वाधीनता के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाई। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण सरकारी नौकरियों, व्यापार, उद्योग धंधों में उनकी स्थिति नहीं सुधर पाई। आज भी आधुनिकीकरण नहीं हो पाया, इससे असंतोष बढ़ा और उनका मनोबल गिरा है। मुस्लिम वर्ग के इस आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण ही जो है यही है कि इसमें सामान्य विकास की ओर बढ़ने की तीव्र इच्छा जन्म नहीं ले पाई और मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने अपने निहित स्वार्थों के कारण मुसलमानों को शैक्षणिक और आर्थिक विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ाया, है ना, जिसके कारण कि जो है उन्होंने मुसलमानों को पृथक कानून और बाबरी मस्जिद जैसे गैर जरूरी और प्रतिगामी मुद्दों और मदरसों तथा मजहबी शिक्षा के मकड़जाल से बाहर निकलने ही नहीं दिया। तो इस तरह से मदरसों ने मुसलमानों को विशिष्ट पहचान देने की कोशिश में मुसलमानों के बीच खाई बंडाने का ही कार्य किया। मदरसों ने मुस्लिम तत्वों में के बच्चों मुसलमानों के बच्चों में संकीर्ण मानसिकता को जन्म देकर उनके बीच आधुनिकता और शिक्षा को फैलने ही नहीं दिया था। अगली जो इसके जो कारण हैं वो है पाकिस्तान का प्रचार और षड्यंत्र। जब कभी भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव की कोई छुटपुट घटना हो जाती है तो पाकिस्तानी रेडियो और समाचार पत्र इसको राजनीतिक तूल देने का प्रयास करते हैं। वे भारत सरकार की आलोचना करते हैं और ऐसी घटनाओं को हिंदुओं द्वारा मुसलमानों का जातिवाद कहकर पुकारते हैं। इसलिए जो सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करके जो अशिक्षित जो गरीब हैं वो मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान को उनको हितों की रक्षा का मान करने वाला मान लेते हैं और इस तरह की सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म जो है उदारता और सहिष्णुता में विश्वास करता रहा है लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता की प्रतिक्रिया और चुनावी राजनीति के छल और फरेबों ने कुछ अंशों में संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद की स्थिति को जन्म दिया। इस स्थिति से संबंध कुछ तत्वों के द्वारा कहा जाने लगा कि भारत हिंदुओं का देश है। संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद मुस्लिम सांप्रदायिकता और ईसाई सांप्रदायिकता आदि को बढ़ावा देने का ही कार्य करता है, है ना। हिंदू जनसंख्या के बहुत थोड़े भाग ने यद्यपि यह अपनाया है और इस धारा का विस्तार हो पाएगा ऐसा सोचने का सबल आधार नहीं है। सरकार की उदासीनता के कारण भी कभी कभी सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। सामान्य सी घटना जो है प्रशासन के असावधानी के कारण कई बार सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लेती है, तो है ना। इसी तरह दलीय राजनीति, गुटिया राजनीति और चुनावी राजनीति जो है वो सांप्रदायिकता की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है, है ना। संकुचित और निहित स्वार्थों से प्रेरित दलीय और चुनावी राजनीति ने भारत के विविध राजनीतिक दल और चुनावी गुट को राजनीति को दृष्टि में रखते हुए न केवल सांप्रदायिकता को स्वीकार करते हैं वरन उसे उभारने का कार्य भी करते हैं। इन दलों ने मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन मुस्लिम लीग को केरल की राजनीति में गले लगाया और ये कभी हिंदू सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करते हैं, कभी मुस्लिम सांप्रदायिकता को। इस तरह से जब इस तरह की जो गुटबाजी है वो चुनावी राजनीति जो है वो सांप्रदायिकता की समस्या को जन्म देती है और इसने जो है बार बार अनियमित रूप से होने वाले चुनावी सांप्रदायिकता के विष को तीव्रतर करने का कार्य ही करते हैं। तो इस सांप्रदायिकता की समस्या के कारण जो हमें दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं कि वो ये है कि इससे जो है विभिन्न वर्गों में आपसी द्वेष को बढ़ावा मिलता है और जब हिंदू और मुसलमान अपने अपने हितों के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं तो आपस में द्वेष और वैमनस्य हो जाना स्वाभाविक है और यह द्वेष कभी कभी भयंकर रूप धारण कर लेता है। इसी तरह आर्थिक हानि भी होती है, न जाने कितनी दुकानें लूटी जाती है, न जाने कितनी राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट हो जाती है और न जाने कितने व्यक्ति कार्य नहीं कर पाते हैं। जन धन की हानि होती है, है ना, राजनीतिक अस्थिरता भी आती है ना, जिससे कि देश की राजनीति में कोई स्थायी कार्य नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए यह खतरा है ना, जब सांप्रदायिकता
के कारण अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के बीच में सांप्रदायिक और झगड़े और तनाव होते हैं जो भारत की जो है सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। तो इस तरह से सांप्रदायिकता की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले, है ना, और सर्वत्र इस भावना को प्रोत्साहन दिया जाए कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रोज मौन प्रार्थना करें। सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत स्थानों पर जहाँ प्रार्थना आदि के कार्यक्रम होते हैं सांप्रदायिकता के विरोध का वातावरण बनाया जाए, शिक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया जाए, और भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्म विशेष से जुड़ी शिक्षा को अनुचित समझा जाता है। नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा धर्मनिरपेक्ष राज्य में बहुत अधिक आवश्यक है, इसकी तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए। सार्वजनिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में बहुमत के आधार पर कोई प्रवृत्ति पैदा नहीं की जाए, सारे कार्य ऐसे ढंग से हों कि अल्पसंख्यकों को अपने अल्पसंख्यक होने का भान ही न रहे। सरकार को सदैव इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू हों। कानून लागू होने पर इस प्रकार का जाति, लिंग, धर्म, भाषा एवं संप्रदाय संबंधी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और भारत में विभिन्न समयों पर अनेक संप्रदाय सरकार में उनके विशेष प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। सरकार को इन सबके प्रस्तावों का केवल सांप्रदायिकता के आधार पर ही ठुकराना होगा, उन्हें एक राष्ट्र का सबक देना होगा। भाषा के संबंध में भी भारत सरकार को अपनी नीति ठीक करनी होगी, यह भी भारत में सांप्रदायिकता का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस तरह से वोट बैंक की जो राजनीति जो है वो सांप्रदायिकता फैलती है, अतः इसे नियंत्रित करना चाहिए, और सांप्रदायिक और उपद्रवी तत्वों को नियंत्रित करने के लिए जो है पुलिस बल को सभी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाना चाहिए। सभी जो है राजनीतिक दल व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं और चुनावी राजनीति के साधन के रूप में सांप्रदायिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाएं। और एक और बात यह आती है कि सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, है ना, और इस प्रसंग में कानून और घोषणाओं की अपेक्षा आचरण भी महत्वपूर्ण है। तो हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारे देश में अनेक धर्मों और को मानने वाले अनेक जातियों के लोग बसते हैं। धर्म और जाति के जो लोग भारत में न पाए जाते हों उनके प्रति भी सम्मान करना चाहिए, और धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जाना चाहिए, धर्म को राजनीति से हटाया जाना चाहिए। राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल धर्म और संप्रदाय को राजनीतिक सफलता के साधन के रूप में ना अपना कर ना ही वो मंत्रिमंडल के निर्माण में और चुनावों के समय टिकट बंटवारे के लिए धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग नहीं करें, है ना। तो इस तरह से राजनीतिक दल जो है इस तरह से सांप्रदायिकता की बचने की कोशिश नहीं करते हैं कि वे दूसरे संप्रदायों के वोट खो देंगे। तो इस तरह से जो है दलों को वोट बैंक की राजनीति से बाहर आना चाहिए। कुल मिला के हैं कि भारतीय राजनीति में धर्म और सांप्रदायिकता का प्रभाव बढ़ने से धर्मनिरपेक्ष राजनीति का विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ है, और इसका मुख्य ध्येय संकुचित हितों की रक्षा करना होता है। यह दायित्व राष्ट्रीय नेताओं का है कि वे समुदाय के सीमित तथा राष्ट्र के बृहत्तर हितों के बीच संतुलन स्थापित करें, समुदाय के प्रति लगाव और भक्ति को राष्ट्र के प्रति लगाव और भक्ति में बदले। आज के इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।